कलकत्ता हाई कोर्ट के दो जजों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक क्यों आई, सीजीआई चंद्रचूड़ ने क्या जारी किए सख्त आदेश। सुप्रीम कोर्ट में आज एक ऐसे केस की सुनवाई हुई जो कि बेहद चौंका देने वाली है। चकित कर देने वाला केस इसलिए क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट के दो जजों की एक केस के दौरान आपस में ही मतभेद हो गया, जिसके बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। दो जजों के झगड़े वाले इस केस की सुनवाई सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने की। इस केस में सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने न केवल सख्त आदेश जारी किए बल्कि याचिकाकर्ता और बंगाल सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की इस संवैधानिक पीठ में सीजीआई चंद्रचूड़ जो कि इसकी अगुवाई कर रहे हैं, उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस अनिरुद्ध बोस शामिल हैं। इस केस की सुनवाई में सीजीआई की अगुवाई वाली पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट में सिंगल जज और डिवीजन बेंच की सुनवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही कलकत्ता हाई कोर्ट के सिंगल जज ने इस केस में जो सीबीआई जांच के आदेश जारी किए थे उस पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट के याचिकाकर्ता और बंगाल सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी यानी सोमवार को करेगी। अब चलिए जानते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। ये मामला दो जजों का एक दूसरे पर आरोप लगाने से जुड़ा हुआ है, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के दो जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय और जस्टिस सोमेन सेन जुड़े हुए हैं। इस मामले में जस्टिस गंगोपाध्याय ने जस्टिस सोमेन सेन पर बंगाल के खास राजनीतिक दल के लिए काम करने के आरोप लगाए थे, क्योंकि 24 जनवरी को जस्टिस गंगोपाध्याय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान एक आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि इस केस से संबंधित सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिया जाए। साथ ही उस केस में सीबीआई जांच के भी आदेश दिए गए थे, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट के ही दो जजों की बेंच ने उसी दिन जस्टिस गंगोपाध्याय के आदेश पर रोक लगा दी थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद अगले दिन यानी 25 जनवरी को जस्टिस गंगोपाध्याय ने एक बार फिर से उसी केस से संबंधित दस्तावेज सीबीआई को सौंपने के आदेश जारी किए। साथ ही उन्होंने इसी केस से जुड़े डिवीजन बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सोमेन पर एक खास राजनीतिक पार्टी के लिए काम करने जैसे बड़े आरोप भी लगाए थे, जिसके बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब सीजीआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने फिलहाल आदेश जारी कर नोटिस भी थमा दिए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 तारीख को है, जिसमें ये देखना अहम होगा कि दो जजों के बीच की इस लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है। साथ ही कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस सोमेन सेन पर लगे आरोपों के मद्देनजर क्या कुछ फैसला सुनाती है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।